नमस्ते, मैं अर्चना आरते अल्ट्रा कुकरी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सी फूड लवर्स के लिए आज मैं बताने वाली हूँ प्रॉन्स फ्राई। प्रॉन्स फ्राई के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ पे लिया है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा मैदा है, 4 टेबलस्पून सूजी, यहाँ पे एक पेस्ट ली है लहसुन और धनिया पत्ता की, 150 ग्राम प्रॉन्स है साफ किए हुए, और तेल, यहाँ पे 150 ग्राम प्रॉन्स लिए है। अब हम इसे इस बाउल में, बड़े बाउल में लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने प्रॉन्स साफ़ करके लिए अच्छी तरह से। अगर आपको देखना है कि ये प्रॉन्स कैसे साफ़ किए जाते हैं तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसको आप क्लिक करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्रॉन्स साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर लिया है 150 ग्राम प्रॉन्स। अब लेते हैं इसमें ये मसाला 1 टेबल स्पून, इसमें लहसुन है 10 से 12 कलियाँ और आधा कप धनिया पत्ता है। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वादानुसार। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि जो प्रॉन्स है उसको अच्छी तरह से मसाला लगना चाहिए। देखिए अच्छी तरह से मिक्स करके लिया है, हर एक प्रॉन्स को मसाला लग चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कोट करने के लिए ये हम लेते हैं आधा कप रवा सूजी लेते हैं, और इसमें जाएगा छोटा वाला कप, मतलब 1 टेबलस्पून मैदा, थोड़ा सा मैदा। रवा और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। मैदा इसके लिए मैंने डाला है कि तेल में डालने के बाद रवा छूटता नहीं है, बाइंडिंग आ जाता है, इसके लिए मैदा और रवा लिया है। तेल डाल देते हैं इसमें, शैलो फ्राई करना है हमें। जब तक तेल गर्म हो रहा है हम रवा और मैदा के मिश्रण में प्रॉन्स को कोट कर लेते हैं। तेल गरम हो चुका है, इसे फ्राई कर लेते हैं। अब इसे अच्छी तरह से दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है, तो हमें राह देखनी है। अब इसे अच्छी तरह से दूसरी तरह से भी फ्राई कर लेना है, तो इसको पलटी कर देते हैं। प्रॉन्स अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। बटर पेपर पे निकाल रहे हैं हम, नहीं तो टिश्यू पे भी चल जाएगा। गर्मा गर्म प्रॉन्स फ्राई तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म राइस के साथ और सोलकड़ी के साथ खा सकते हैं। तो आप ये बनाइए और हमें कमेंट्स में कहिए। ऐसे ही आसान सी फूड रेसिपीज के लिए अल्ट्रा कुकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।